हेलो एवरीवन, आज श्रुतिस किचन में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी मात्र 15 से 20 मिनट में चीज़ ब्रेड बॉल्स बनेंगे। ये नाश्ता आप बना कर देखिए, सभी को पसंद आएगा। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये नाश्ता कैसे बनेगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 4 मीडियम साइज़ आलू ले रहे हैं। इन्हें उबाल लिया है और अब उबालने के बाद इनके छिलके उतार लेंगे और अब इन्हें मैश करेंगे। इसके बाद हम ब्रेड की स्लाइस लेंगे, लगभग 5 से 6 ब्रेड्स ली हैं, और इन्हें इस तरह से पीसेस कट करके और मिक्सर में हम बारीक कर लेंगे। ये ब्रेड की पाउडर बनके तैयार है। अब हम पोहा लेंगे 3/4 कप और इसे भी हम मिक्सर में बारीक कर लेंगे। ये पोहा के पाउडर तैयार हैं। अब हम एक प्लेट या बाउल, आप किसी में भी ले सकते हैं, इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। मैश किए हुए आलू, ब्रेड के पाउडर और पोहा की पाउडर, इन तीनों को हमने एक साथ डाल लिया। इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, नमक आप स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और अब इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। इसके बाद 1/2 चम्मच चाट मसाला और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और अब इन सभी को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हाथ से मैश करते हुए इन्हें मिक्स करना है। इसमें हमें पानी की वैसे मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं लगी है, मेरे जो आलू लिए थे वो इतने सफिशिएंट मॉइस्चर था उसमें कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप पानी मिक्स कर सकते हैं। अब इस तरह से चीज़ के पीसेस कट कर लिए हैं और अब हम इसके इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। इस बॉल को हम ऐसे हाथ पे लेके फ्लैट करके और इसके सेंटर में ये चीज़ का एक पीस रख देंगे। आप चाहे तो चीज़ को इस तरह से कट ना करते हुए आप कद्दूकस भी कर सकते हैं और इसके बीच में इस तरह से रखते हुए और इसे अच्छी तरह से पैक कर देंगे और सारे बॉल्स इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब हम इन्हें तलने के लिए एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। ये चेक कर लिया है, अच्छी तरह से गरम हो चुका है। अब मीडियम फ्लेम पे इन सभी बॉल्स को हम फ्राई कर लेंगे। इन्हें गोल्डन ब्राउन होने पे निकाल लेंगे। आप फ्लेम का ज़रूर ध्यान रखें, अगर आप फ्लेम हाई रखेंगे तो ये जल्दी लाल हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। अब ये चीज़ ब्रेड बॉल्स बनकर तैयार हैं। आप इसे और चीज़ी टेस्ट देने के लिए इस तरह ऊपर से भी चीज़ डाल सकते हैं और सॉस या चटनी के साथ गरम गरम चीज़ ब्रेड बॉल्स अच्छे लगे तो वीडियो, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और पास में बनी बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्दी ही मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।